नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। तो आइए जानते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को 10 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें अधिकांश अधिकारी सभी उप विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वही कुछ प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी पोस्टिंग की गई है। चाईबासा DDC के पद पर कार्यरत आदित्य रंजन को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद क्रामिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। अंजलि यादव को गोड्डा का DDC बनाया गया। बात करते हैं दूसरी खबर की। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना के संकट में शिक्षा देना चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की वजह से शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है। इस विवशता की वजह से शिक्षकों और स्टूडेंट दोनों को घरों में रहना पड़ रहा है। शिक्षा की चुनौतियों को पूरा करने के लिए ई लर्निंग की शुरुआत की गई। यह सुखद पहलू है, लेकिन झारखंड में ई लर्निंग से शिक्षा देने का प्रयास सार्थक नहीं हो पाया। शुक्रवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के VC के साथ शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे उक्त बातें कही। कुलाधिपति ने ई लर्निंग के सार्थकता न होने की वजह पर भी कहा कि हमारे बहुत से विद्यार्थी विभिन्न पिछड़े एवं सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, जहां स्मार्टफोन न होने तो कई बार नेटवर्क न होने की वजह से ई लर्निंग की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोरोना महामारी की। तो रांची के ओर मांझी स्थित मेदांता अस्पताल में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। मेदांता अस्पताल में डॉक्टर, ग्राउंड स्टाफ, न रिसेप्शनिस्ट और 22 से अधिक नर्सें कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। इसके बाद मेदांता के अधिकतर स्टाफ पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इतनी अधिक मात्रा में स्टाफ के संक्रमित होने और संक्रमण के खतरे के बाद भी मेदांता अस्पताल लगातार बाहरी मरीजों का इलाज कर रहा है। मेदांता अस्पताल में भी लगातार मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं मरीजों से अस्पताल के स्टाफ में संक्रमण फैल रहा है, या फिर संक्रमित अस्पताल कर्मियों से मरीजों में संक्रमण फैल रहा है। एक ही अस्पताल में इतने अधिक संख्या में स्टाफ के संक्रमित होने से बाहरी मरीजों पर भी संक्रमण का खतरा है। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 500 से अधिक सैंपलों का कलेक्शन हो रहा है। पहले जांच के लिए जदोदहद करना पड़ रहा है, तो उसके बाद रिपोर्ट पाने के लिए 4 दिन तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। दरअसल राजधानी में 2 तरीके से जाँच हो रही है। RT-PCR जाँच के लिए मरीजों को एडमिट होना पड़ रहा है, इसीलिए राजधानी में मरीज संदेह होने पर टू नट जाँच करा रहे हैं। मरीजों से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जाँच मैसेज के जरिए बता दी जाएगी, लेकिन मैसेज नहीं मिलने पे सैंपल देने वाले लोग परेशान हैं, इसीलिए रिपोर्ट लेने के लिए 4 दिन से दौड़ लगा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान देश की कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी से टाटा ग्रुप के संरक्षक रतन टाटा काफ़ी आहत है। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान COVID-19 महामारी की वजह से भारत की कंपनियों में होने वाली छटनी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का मुश्किल दौर कंपनियों के लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कंपनियों के शीर्ष नेतृत्वकर्ता में सहानुभूति की कमी हो गई है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने कंपनियों के लिए काम किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कंपनी के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे संकट की घड़ी में आप उन्हें सपोर्ट देने की बजाय बेरोजगार कर रहे हैं। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने कहा कि उद्यमियों और कंपनियों के लिए लंबे समय तक काम करने और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता प्रमुख है। नाराज रतन टाटा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या यही आपकी नैतिकता है? उन्होंने अपने कारोबारी सोच के बारे में बताया कि बिजनेस का अर्थ केवल मुनाफा कमाना ही नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि जो शेयरधारक, ग्राहक और कर्मचारी आपस में जुड़े हैं, आपको उनके हितों के बारे में भी ध्यान रखना है।